तो बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दो सूची सामने आ चुकी है, उम्मीदवारों में तकरीबन 124 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस है प्रचार पर। प्रदेश बीजेपी के मीडिया सेंटर का विधिवत उद्घाटन सिविल लाइंस बंगला नंबर 16 में किया गया है। सिविल लाइंस बंगला नंबर 16 में ही मीडिया सेंटर बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक अनिल बलूनी समेत राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अधिकतर मंत्रियों को पहली सूची में जगह नहीं मिल पाई। सर प्रताप सिंह खाचरिया है, उनको जगह नहीं मिल पाई। तमाम ये घबराहट की निशानी है। मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में युद्ध है। युद्ध के अंदर एक तरफ सेना नायक खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान खाली है। आओ, युद्ध सजा हुआ है, सामने आओ ना। उनको दे रहे, कह रहे हैं, अगस्त में उतार रहे थे ना मैदान में उम्मीदवार, अब क्यों चुप क्यों हो? गहलोत साहब चुप क्यों हैं, डोटासरा जी चुप क्यों हैं? आओ, एक दिन भी क्यों जाया करते, आओ मैदान में उतरो। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें काफी विरोध रहा, लेकिन कोई विरोध नहीं, तो उसमें कोई क्या केंद्र की तरफ से कुछ इस तरीके से रणनीति बनाई गई और कुछ कोई विरोध नहीं गया जो नहीं चाह रहे थे? सामूहिकता के आधार पर हम सब लोगों ने निर्णय लिए हैं। ये पार्टी सहकार एक सबके लिए और सब एक के लिए उस नीति पर पार्टी काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ से चंद्रबन आके कह रहे हैं कि सीपी जोशी जी ने खुंदस निकाली। नहीं, कोई सीपी जोशी जी ने कोई खुंदस नहीं निकाली। ये आलाकमान का फैसला है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उनको समझाइश करने की कोशिश की, वो समझ जाएंगे। तो देखिए, बीजेपी की चुनावी तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। फोकस अब प्रचार पर किया जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची दो बार सामने आ चुकी है। पहले 41 उम्मीदवार सामने आते हैं, फिर 83 उम्मीदवार सामने आते हैं। विरोध हालांकि बहुत ज्यादा है। डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया लगातार जारी है। कैलाश चौधरी की अगुवाई में एक कमेटी ऑलरेडी गठित हो चुकी है जिसका काम डैमेज को कंट्रोल करना है। बगावती स्वर बुलंद करने वाले तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना है। और इसी बीच राष्ट्रीय मीडिया संयोजक अनिल बलूनी के साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का हम जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की बात हम कर चुके हैं, ये सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं मीडिया सेंटर पर जहाँ पर ये उद्घाटन होने वाला है अब से थोड़ी ही देर बाद। और विधिवत उद्घाटन सिविल लाइंस बंगला नंबर 16 में किया जाएगा। यहाँ पर बीजेपी मीडिया सेंटर बना रही है। अब आप देखिए, बीजेपी हर बार एक कदम आगे चल रही है कांग्रेस से। कांग्रेस जहां पहले अपनी सूची जारी करने में भी देर लगा चुकी है, केवल 33 उम्मीदवार अब तक सामने आए, तो बीजेपी के 124 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। अपनी दो लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है।